टू ट्रेन्स ईच हैविंग अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर आर हेडेड ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक. अ बर्ड दैट कैन फ्लाई एट 60 किलोमीटर पर आवर फ्लाइज ऑफ फ्रॉम वन ट्रेन वेन दे आर एट 60 किलोमीटर अपार्ट एंड हेड्स डायरेक्टली फॉर द अदर ट्रेन. ऑन रीचिंग द अदर ट्रेन इट फ्लाइज डायरेक्टली बैक टू द फर्स्ट एंड सो फोर्थ. हाउ मेनी ट्रिप्स कैन द बर्ड मेक बिफोर सॉरी फ्रॉम वन ट्रेन टू अदर बिफोर दे क्रैश. और दूसरा पार्ट है वॉट इज द टोटल डिस्टेंस बर्ड ट्रेवल्स. बड़ा जाएगा क्वेश्चन. लेट अस सी व्हाट दे ट्राइंग टू से. सपोज ये ट्रेन है और ट्रेन की लेंथ गिवन नहीं, तो हम जबरदस्ती ट्रेन को लंबा बनाए फायदा नहीं है उसका. इन दोनों ट्रेन्स के बीच में 60 किलोमीटर का फासला है और यहाँ से एक बर्ड स्टार्ट करती है मोशन करना ऐसे खुद 60 किलोमीटर पर आर पे, जबकि ट्रेन की स्पीड 30 है. हमने एरो भी छोटा बनाया है 30 किलोमीटर पर आर, क्योंकि वेक्टर्स के एरो उसका मैग्नीट्यूड दिखाते हैं. और ये भी आ रही है 30 की स्पीड से. तो अगर ये चल रही है तो ये भी चल रही है और ये भी चल रही है. अभी जब ये चिड़िया यहाँ से यहाँ मूव करती है तो इस मोशन का कोई फ़ायदा नहीं है सोचने का. हमें बस ये देखना है कि कितने टाइम में ट्रेन और ये ट्रेन, ये वाली ट्रेन और ये बर्ड है कितने टाइम में मीट कर जाएंगे. मीट करते ही अब इस चिड़िया की बारी है वापस लौटने की. पर जब ये वापस लौटेगी उस दौरान ये ट्रेन इसकी तरफ आ रही होगी, फिर वहाँ पे हमें इसकी और बर्ड की, ट्रेन वन और बर्ड की अलग से स्टडी करनी पड़ेगी दोनों के मोशंस की. इससे बेहतर ये होता है कि इसलिए हम इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी लगाया जाता है, क्योंकि फिर हमें सिर्फ एक ही बॉडी की मोशन की ध्यान रखना पड़ता है. तो अगर हम फर्स्ट ट्रिप की बात करें, दैट इज बर्ड मूव्स टूवर्ड्स ट्रेन T2, तो ऐसे में बर्ड की सेकेंड ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, VB - V2. इसको हम 60i लिख लेते हैं और इसको 30 - i, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है 90i. तो अगर हमने रिलेटिव वेलोसिटी लगाया तो उससे फायदा ये हुआ कि ट्रेन, जब तक ये चिड़िया यहाँ जा रही है, ट्रेन को ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये मूव नहीं कर रही, इसीलिए इसकी स्पीड इसको दे दी गई. तो अब डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा पहली ट्रिप के लिए D1, वो तो पूरा 60 होगा. और टाइम जो पहली ट्रिप के लिए D1 होगा वो कितना होगा, इट विल बी 60 by 90, सो दैट विल बी 2 by 3 आवर्स. पहला जो टाइम हमारा T1 आया है फर्स्ट ट्रिप के लिए, टू एंड फ्रो आना जाना कर रही ना, तो जाने वाली जो टाइम है वो आएगा 2 by 3 आवर्स. नाउ इस बात का ध्यान भी रखें कि डिस्टेंस जो T1 मैंने 60 लिखा है ये रिलेटिव है, असली में तो 60 नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये ट्रेन भी इधर आ रही है. तो इसको एक्चुअली में डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा वो हम बताएंगे कैसे निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. असलियत में 60 किलोमीटर चिड़िया को ट्रैवल नहीं करना पड़ा क्योंकि ट्रेन भी अप्रोच करी, वो विल सी इट लेटर हाउ डू वी कैन कैलकुलेट. नाउ इनिशियली जैसे हमको पता है कि जो ट्रेन्स हैं वो आपस में 60 की रफ्तार से, सॉरी 60 के फासले पर थी, और पहली ट्रिप करने में चिड़िया को 2/3 घंटे लग गए, इसको 40 मिनट भी बोला जाता है. नो इस 2/3 आवर्स में एक्चुअली में हमें देखना होगा कि ट्रेनें सच में कितना ट्रैवल कर ली हैं. सवाल सॉल्व करने के चलो ठीक है हमने कर लिया, लेकिन अब दूसरी ट्रिप के पहले हमें पता होना चाहिए कि चिड़िया को पहली ट्रेन पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना. तो दोनों की गति सेम होने की वजह से दोनों ट्रेन्स बिल्कुल बराबरी से एक दूसरे की तरफ आती. तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय T1 एंड T2 व्हाइल फर्स्ट ट्रिप ऑफ बर्ड. देख लेते हैं डिस्टेंस पहली ट्रेन के लिए D1 लिख लें इसको. ट्रेन के लिए डिस्टेंस है, इट विल बी स्पीड इनटू टाइम,
स्पीड है 30 और टाइम है 2/3, तो ये आ गया तुम्हारा 20 किलोमीटर। और सेम फॉर सेकेंड ट्रेन, सेम इज फॉर सेकेंड ट्रेन, तो D2 हो जाएगा भी 20। सो टोटली दे कवर 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर यहाँ से 20 और यहाँ से 20, और बचता कितना है, मतलब थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं बना पाया हूँ, कोई बात नहीं। अब से 20 ही किलोमीटर बचा है चिड़िया के चलने के लिए, 40 किलोमीटर्स, एंड हेंस और चिड़िया यहाँ से स्टार्ट करेगी। बर्ड हैज ओनली 20 किलोमीटर लेफ्ट टू मेक सेकेंड ट्रिप। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे हम सेकेंड ट्रिप, क्योंकि हमें निकालना है कितनी ट्रिप्स बर्ड कर रही है। तो सेकेंड ट्रिप के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना है T2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि चिड़िया की स्पीड 60 है और ट्रेन ये वाली जो यहाँ है उसकी 30 है, अपोजिट है तो 90, इसको हमें रिलेटिवली रोक के इसकी स्पीड 90 करके दोबारा बिल्कुल उस तरीके सॉल्व करना होगा, लेकिन डिस्टेंस इस बार सिर्फ 20 है और स्पीड 90 है। सो वी हैव दिस एंड वी कैन से ऑल्सो राइट 2/3 स्क्वायर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2/9 वी कैन राइट 2/3 स्क्वायर। अब बात देखें कि 2/ इस जब तक चिड़िया यहाँ से यहाँ आई तब तक असलियत में दो ट्रेन और करीब आई होंगी, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2/3 स्क्वायर आवर्स बाय बोथ ट्रेन्स इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम। स्पीड 30 है और टाइम कितना है 2/3 स्क्वायर, तो 1 3 से 10 आ गया, विल गेट 20/3 किलोमीटर। सो बोथ की वजह से कितना होगा, बोथ ट्रेन्स कवर अप 40/3 किलोमीटर, है ना, बोथ ट्रेन्स कवर अप 40/3 किलोमीटर। सो अब ये जो ये जो ट्रेन T1 थी और ये ट्रेन T2 है, ये 20/3 इधर और 20/3 इधर और करीब आ गई हैं, तो अब थोड़ा कम डिस्टेंस बचा है बर्ड के लिए यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए। वो कितना होगा कि 20 में से 40/3 माइनस कर देंगे, तो दिस इज़ अ डिस्टेंस लेफ्ट फॉर द बर्ड टू ट्रैवल। इसको हम अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे, कि पहले तो यहाँ से यहाँ था कितना 60 बिल्कुल स्टार्टिंग में, फिर कितना बच गया 20, और अब कितना बचा थर्ड ट्रिप के लिए, चिड़िया को यहाँ से जाना है, कितना निकलना था 20 माइनस 40/3, है ना, क्योंकि इतना 20/3 था और इतना 20/3 था, तो बचा कितना 60, 20/3 ही बच रहा है, 20/3 इज लेफ्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि थर्ड ट्रिप T3 विल बी, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सिर्फ 20/3 लेफ्ट ओवर है और स्पीड तो 90 ले जा रही है बार बार, सो ये कैंसिल और ये आ जाएगा 2/3 क्यूब। अब देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड सा दिख रहा है हमको होता हुआ, पहली ट्रिप 2/3 आवर्स, दूसरी ट्रिप 2/3 स्क्वायर आवर्स, और तीसरी ट्रिप में 2/3 क्यूब, ठीक है। तो हमको ये पता लग गया कि अगला जो आने वाला है वो 2/3 पावर 4 आएगा, और आपको दिखाना है तो दिखा देता हूँ एक बार मैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ ट्रेन्स इन 2/3 क्यूब आवर्स, खुद देख लीजिए डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड दोनों ट्रेन का 30, 30 × 2/3 क्यूब, तो ये स्क्वायर बचेगा और ये 10 आ जाएगा, कितना 20/3 स्क्वायर। अब देखो ये डिस्टेंस बच रहा है, और अगर हमें फोर्थ ट्रिप के लिए निकालना हो
तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर से 90 आ जाएगा। तो वो डिस्टेंस टोटल जो बचा है चिड़िया के लिए ट्रैवल करने के लिए, वो हम कैसे निकालेंगे? फिर से 20/3 में से जो डिस्टेंस बचा हुआ था उसमें से दोनों ट्रेन्स कितना कितना ट्रैवल करेंगे, 20/3 स्क्वायर, 20/3 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 20/3 स्क्वायर माइनस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है, 20/3 - 40/9, तो इसको 3 से करें, इसको 360, 20/9 आ रहा है, लीजिए। अब 20/9 हमारा डिस्टेंस चिड़िया के लिए यहाँ से यहाँ और कम हो गया, इतना से ही बच रहा है केवल, क्योंकि यहाँ से 20/3 स्क्वायर, यहाँ से 20/3 स्क्वायर कवर करने के बाद बहुत कम डिस्टेंस चिड़िया के लिए बच जाता है। और हम सॉल्व करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि अप टू T4 होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन 90, और डिस्टेंस है 20/9 और 90, ये कैंसिल, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो दूसरे 9 को भी, तो कितना बचा, 2/3 पावर 4। तो आपको ट्रेंड मैंने दिखा दिया कि अब हर बार पावर जो 3 की है वो बढ़ती चली जाएगी। तो वी कैन एक्सटेंड द क्वेश्चन लाइक दिस कि अब टोटल टाइम नंबर ऑफ ट्रिप्स निकालनी थी ना, आइए नंबर ऑफ ट्रिप्स निकालते हैं हम। पहला टाइम लगा T1 2/3 आवर्स, दूसरे में 2/3 स्क्वायर, तीसरे में 2/3 क्यूब एंड सो ऑन। हम इससे कैसे निकालें नंबर ऑफ ट्रिप्स? सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल टाइम बर्ड हैज टू मेक द ट्रिप्स। बर्ड के पास टोटल टाइम कितना है ट्रिप करने के लिए, अगर हम वो निकाल लें तो फिर हम नंबर ऑफ ट्रिप्स निकाल सकते हैं। जैसे कि एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, बर्ड के पास उतना ही टाइम है जितना टाइम इन ट्रेन्स को क्रैश करने में लगने वाला है। एक बार ट्रेन्स क्रैश कर गई तो फिर बर्ड थोड़ा ना फिर अपनी ट्रिप्स कर पाएगी, वो तो मर जाएगी, पिचक जाएगी बीच में। तो ये निकालना बहुत आसान है, टाइम फॉर ट्रेन्स टू क्रैश, वेरी सिंपल। ये ट्रेन 30 की स्पीड चल रही है, ये ट्रेन 30 की स्पीड से इधर और ये इधर, इसको रोक दीजिए और इसको इससे क्रैश करा दीजिए। तो रिलेटिव स्पीड वेलोसिटी ऑफ T1 विथ रिस्पेक्ट टू T2 विल बी 30i - -30i, दैट इज 60i। और डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, अब जब इसको रोक ही दिया है तो उसको पूरा 60 खुद तय करना होगा, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इट विल बी स्पीड इन टू टाइम, सॉरी वो तो पता ही है 60। तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है क्रैश करने के लिए, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें बताया कि डिस्टेंस 60 था और स्पीड भी हमारे रिलेटिव लॉ 60 आई, तो 1 घंटा है हमारी चिड़िया के पास आगे पीछे ट्रेवल करने के लिए। सो लेट्स जस्ट ऐड ऑल दीज छोटे छोटे टाइम्स फॉर ऑल द ट्रिप्स, 2, 3 पावर n, तो n ट्रिप्स हो जाएंगी ना 1 घंटे में, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, सॉरी एक सॉरी जी पी है, बाइनोमियल तो नहीं है, ये जी पी है, जिसमें कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो निकालने के लिए कंजेकेटिव टर्म्स को डिवाइड करना होता है, डिवाइडेड बाय 2/3, तो 2/3 स्क्वायर इंटू 3/2, ये कैंसिल कितना 1/3 आए। और अब हम समेशन ऑफ अ जी पी इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, सम ऑफ जी पी, और वो क्या होता है, ए 1 - r पावर n अपॉन 1 - r इक्वल्स टू 1, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जो a है वो कितना है, पहला टर्म है 2/3, 1 - 1/3 पावर n अपॉन 1 - 1/3, 1 - 1/3 2/3 होता है, तो ये कैंसिल, इक्वल्स टू 1। सो 1 - 1 पावर 3 n इज इक्वल्स टू 1, हेलो ये तो कैंसिल हो गए। सो 1 अपॉन 3 पावर n क्या हो गया, 0। सो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है,
तो 3 की पावर इन्फिनिटी ही होने पर तभी इन्फिनिटी आएगा आंसर, तो आंसर था इन्फिनिटी या इनफाइनाइट ट्रिप्स। दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट, दैट द बर्ड विल टेक इनफाइनाइट ट्रिप्स टू डू सो। द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट क्या था देख लेते हैं। वॉट इज द टोटल डिस्टेंस द बर्ड ट्रेवल्स। हमने पहले भी कहा था बर्ड कभी भी 60 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर पाएगी पहली बार में ना, तो वेरी सिंपल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ऑफ बर्ड टू ट्रैवल की डिस्टेंस अलग अलग होंगे, d1 + d2 + d3 एंड सो ऑन, है ना। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो बर्ड की स्पीड कितनी थी 60 और टाइम कितना था 2/3, तो 60 × 2/3 + 60 × 2/3² दूसरा टाइम प्लस 60 × 2/3³ एंड सो ऑन। तो क्यों ना हम 60 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 2/3 + 2/3² एंड सो ऑन। पर ये पूरा 2/3 + 2/3² देखो, 2/3 + 2/3² एंड सब मिला के 1 आता है ना, तो 60 × 1 दैट इज 60 किलोमीटर्स। तो बर्ड एक्चुअली ट्रेवल 60 किलोमीटर्स वाइल डूइंग ऑल दीज इनफाइनाइट ट्रिप्स। दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन।